हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of Jan टू 25th of Jan। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 16 टू 25th क्या जनरल मैसेजेस है फॉर एरीज। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओ माई गॉड एरीज, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास दो कार्ड्स हैं फोर नंबर के साथ, ठीक है। फोर नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका, शायद फोर्थ को बर्थडे आता है या फिर आपको फोर नंबर काफी बार दिख रहा है, बट फोर नंबर नेक्स्ट 10 डेज के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है आने वाला या करंट पार्टनर, उनका फोर्थ को बर्थडे आता हो। अब देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास शादी, आपका कोई पार्टनर या तो लाइफ में आ सकता है, कोई एक लवर आ सकता है, पोटेंशियल पार्टनर एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में, जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ पसंद करे या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए या बात पक्की हो जाए या लड़का लड़की देखने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, बट वैसी वाइब आ रही है मुझे नेक्स्ट 10 डेज के लिए। फोर ऑफ कप्स है हमारे पास, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो काफी सिग्निफिकेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है, तो पाइसिस या कैंसर या स्कॉर्पियो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। अब सॉरी फोर ऑफ कप्स, अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में ना थोड़ा या तो शादी एंड रोमांस, क्योंकि इतना अच्छा हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में रोमांटिक लाइफ आपकी, तो इसलिए थोड़ा सा डे ड्रीमिंग दिख रही है मुझे, थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है आप काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर या फिर अपने रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स डालने हैं ताकि रिलेशनशिप आगे पनपे बढ़े, उस चीज को लेकर काफी सुस्त हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, थोड़े सपने सजा रहे हैं। इसमें से कुछ मुझे पॉजिटिव भी लग रहा है, कुछ मुझे नेगेटिव भी लग रहा है। पॉजिटिव ये कि ठीक है, कोई एक चीज अच्छी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसको लेकर आप डे ड्रीम कर रहे हो, विच इज लाइक नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट ठीक है, लाइक कभी कभी होता है तो चलता है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा आप ग्रांटेड भी ले रहे हो उस चीज को, ठीक है, थोड़ा सुस्त भी पड़ रहे हो, रियलिटी में नहीं जी रहे हो, आप बस सपने सजा रहे हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एस ऑफ कप्स, देखिए मुझे नेक्स्ट 10 डेज आपके रोमांस से भरे दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। हमारे पास फोर ऑफ कप्स है जिसमें आप थोड़ा सा डे ड्रीम कर रहे हो, सुस्ती है, बट हमारे पास फोर ऑफ वॉन्स है, एस ऑफ कप्स है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्स आपकी एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस। अब देखिए एस ऑफ कप्स में मुझे प्यार दिख रहा है, नए रिश्ते की शुरुआत दिख रही है, कई लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, कंसीव कर सकते हैं, जो नहीं होना चाहते हैं प्लीज ध्यान रखिए, बट प्रेगनेंसी दिख रही है, प्यार दिख रहा है, नए रिश्ते की शुरुआत दिख रही है, फर्टिलिटी दिख रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज मैरिज एंड रोमांस के पर्पज से, टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ओके रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। देखिए एरीज, कोई भी अगर दिक्कत थी आपकी लाइफ में और आपको लग रहा था ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो वो चीज खत्म हो चुकी है या नेक्स्ट 10 डेज में खत्म हो जाएगी। चाहे वो इस चीज को लेकर हो कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत एज हो गई है। वैसे तो मैं इस चीज में मानती नहीं हूँ कि ओ अगर आपकी इतनी एज हो गई है तो अब आपकी शादी कभी नहीं होगी, कभी भी हो सकती है, दूसरी शादी हो सकती है, सबका पार्टनर कोई ना कोई लिखा होता है, बट आई थिंक किसी चीज को, जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है जॉब को लेकर ये चीज हो। ऑल्दो मुझे ये रीडिंग आपकी थोड़ी लव रिलेटेड, इमोशनल रिलेशनशिप्स रिलेटेड लग रही है, बट हो सकता है जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस चीज को लेकर दिक्कत हो लाइफ में, वो भी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। तो आपकी लाइफ का जो भी सबसे डिफिकल्ट पार्ट था अभी तक का, वो ओवर हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 10 डेज में क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, प्लीज बताइए यूनिवर्स।
पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखिए एरीज, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है क्रैम्प आ जाए कहीं पे, मसल पुल हो जाए, लाइक मे बी हल्का सा स्प्रेन आ जाए, वैसी कोई चीज हो सकती है। बट जरूरी नहीं है कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आए, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट 10 डेज। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। देखिए आई थिंक एरीज यहाँ पे ना ये नेक्स्ट 10 डेज की फीलिंग नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी करंट फीलिंग है, जो मैं अभी जब रीड कर रही हूँ 2-3 दिन पहले। आई थिंक ये आपकी करंट फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है अभी भी एंड पहले भी कि मेरी लाइफ में ना कुछ कुछ कमी सी है, लाइक पूरा नहीं होता है, आपको कंप्लीट फील नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ऐसा लगता है कि पैसे नहीं है, या फिर क्या कर रहा हूं मैं, जिंदगी कहाँ जा रही है, पार्टनर नहीं है, प्यार नहीं है। तो आई थिंक ये आपकी एक रोजमर्रा की दिक्कत है। आप कभी खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बट देन आई थिंक ये चीजें जो है ना, ये रिसर्फेस करती हैं आपकी लाइफ में बार बार। एंड आई थिंक इसी चीज को लेकर आई फील ये यूनिवर्स बता रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज में आपका प्यार भी आ रहा है, नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, या फिर नई जॉब की शुरुआत हो रही है, नए बिजनेस की शुरुआत हो रही है। अपने हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा डे ड्रीमिंग कम करिए, डे ड्रीमिंग मुझे ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। बट हाँ आई थिंक ये जो है ना, आपको जो एक कंप्लीट फील ना होना, ये चीज खत्म हो जाएगी नेक्स्ट 10 डेज में, नहीं प्लस माइनस फ्यू डेज, बट ये चीज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। पैसा, देखिए मैंने आपको बोला ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना, जिसमें आपको लगता है पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है लाइफ का, ये चीज खत्म होने वाली है। पैसा आ रहा है हमें, हमारे पास डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। ओ माय गॉड, आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, पैसा आने वाला है। लियो साइन कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका बर्थ चार्ट चेक करिएगा, शायद आपके बर्थ चार्ट में लियो साइन हो। मून प्लैनेट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, वो भी चेक करिएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको एरीज, पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस के बिना आप शायद हमेशा यही फील करते रह जाएं कि अरे यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है लाइफ में, कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। पैसा भी है, डायरेक्शन भी है, राइट पाथ भी है, आपको प्यार भी है, सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 10 डेज काफी अच्छे जाने वाले हैं। मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से एरीज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।